भाई चमन जो है ना कैड़ा पड़ रही है, आरपीएम ड्रॉपेज भी आया ट्रैक्टर के अंदर। और देखो एक चीज और दिखाऊं, देखो कटर के चक्कर देखो भाई कितने कम हो गए। हैंड बेल्ट के अंदर जो देखो हैंड बेल्ट ढीली पड़ गई है एकदम। ट्रैक्टर अपनी पूरी ताकत लगा रही है भाई, हैंड बेल्ट जो बिल्कुल ढीली पड़ गई। और यहाँ पे देखो भाई आरपीएम ये देखो, और देखो भाई आरपीएम ड्रॉपेज देखो, यहाँ पहले बात 1400 के दौरे घूम रही है। रोक दे रहे रोक दे, बेल्टा में आग लग जाएगी, रुकी पड़ी है भाई। अब जो है ना ट्रैक्टर के आरपीएम कर दिए 1600, और चमन अब भी गहरा लगा रहा है। देखो आरपीएम ड्रॉपेज दिखा दूँ ट्रैक्टर के, कितने आरपीएम ड्रॉपेज आ रहे हैं। और कटर कतई फटन में फिर रही है भाई, और बेल्ट की कंडीशन देखो, बेल्ट टूट पड़ी है कतई ढीली। और आरपीएम ड्रॉपेज दिखा दूँ भाई ट्रैक्टर का, देखो 1600 आरपीएम पे चल के ट्रैक्टर 1400 से 1300 पे पहुंच गया है भाई। राम राम भाई, किसान महकमा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है भाई। आज की जो वीडियो फिर से 744 XTR भाई, सामने जो अपने चमन भैया हैं जो ट्रैक्टर बंद करने वाले हैं, तो भाई इनसे भी बात करेंगे। और जो है ट्रैक्टर स्पेसिफिकेशन की तो बात भाई क्लियर है कि 3 सिलेंडर 3478 cc का इंजन है भाई ट्रैक्टर के अंदर। और यहाँ पे जो है ट्रैक्टर फिर से आज जो कटर पे चला हुआ भाई, कटर जो है पहले ही बता दूँ छोटे साइज का कटर है, 13 इंची इसका जो हेड है कटर का और स्टड के साथ है। तो भाई छोटी सोच है, 13 इंची मुंह का हिसाब माना जावे तो भाई 35 HP कैटेगरी का कटर है, 35 HP ट्रैक्टर के लिए है भाई। यहाँ पे जो 52 HP कैटेगरी के ट्रैक्टर पे चला हुआ है वो कटर जो है, तो भाई छोटी जो सोच हो वह बड़ी बड़े ट्रैक्टर ने भी दाब देगी, जो रियलिटी है। अपने चमन भैया आए अब सामने। हाँ चमन भैया, जैसे गहरे वहरे लगाओगे तो क्या परफॉर्मेंस दिखाओगे आज? हाँ पूरा दिखाएंगे, दाब दोगे? ट्रैक्टर दब दबता है, ये मशीन जो इसका हंगना घूमना बंद हो जाता है, ये इसकी कोटी भर जाती है, बस जो अब भीतर बटला हो जाए छोटी सोंज। यानी कि ये जो कटर है वो 35 HP की कैटेगरी के ट्रैक्टर का उसके हिसाब से ही सेट है। कर दो भैया आ जाओ चालू। चलो करो भाई, आज जो ना वीडियो ज़्यादा लंबी ना करके मात्र 10 से 11 मिनट की वीडियो निकालेंगे, और इसमें बिल्कुल टॉप चीज़ रखी जाएगी। और विपिन भैया भी अपना तैयार हो गए ट्रैक्टर चलाने। और भाई सबसे बड़ी बात है, देखो किसी भी ट्रैक्टर के अंदर जो परफॉर्मेंस ली जाती है वो ली जाती है भाई एक इसकी जो पुली साइज होता है। तो भाई आधे से ज़्यादा जो नए लोंडे हों में या नई चालक हों में, उन्हें पुली का ज्ञान नहीं होता कि पुली कौन सी साइज रखनी है। यहाँ पे जो पुली है वो बराबर की पुली रखी हुई है, ऊपर वाली और नीचे वाली, जबकि नीचे वाली बड़ी होनी चाहिए और ऊपर वाली थोड़ा छोटी हो गए, तो ज़्यादा चक्कर निकालेगा, झटके का काम होता है भाई लाख का। और रूटावेटर पे छोटी पुली रखोगे प्राइमरी, और बड़ी जो सेकेंडरी रखोगे तो भाई वो हो गए कंटिन्यू लोड, इस पर झटके का काम है। और भैया चल गया ट्रैक्टर यहाँ पे, एक बार आरपीएम और दिखा दूँ भाई कितने आरपीएम पे चला हुआ है यहाँ पर। 1600 RPM है भाई ट्रैक्टर के, 1600 RPM पे चला रही है। और लगी आपका चमन भाई, और बिल्कुल लाख दिखा दूँ एक बार, बिल्कुल सूखा लाख है भाई, और पूली ना पूले बना रखे हैं तो उन्हें पूरे बिल्कुल देखो भाई सूखा लाख है, एकदम सूखा। ये रिया यह शिकायत हो गया भाई छोटे हेड के कटर के अंदर, अगर इस पर पूली बड़ी साइज की आ गई तो भाई एकदम से पूली रुक जाएगी हाथों हाथ। देखो फिलहाल तो जो कोई किसी तरीके की दाब है ना भाई इस पे, यहाँ पे चमन केड़ा पड़ के लग रही है भाई सिंगल। और भाई चमन की डिमांड जो है ना कुछ बढ़ गई है, और जो कटर वाले हैं वो भी बुला रहे हैं भाई चमन ने, क्या हमारे कटर पे आओ और हमारे कटर पे काम करो भाई, ऐसा लड़का तो हमें चाहिए जो अकेला ये जो ट्रैक्टर ने दाब देगा। दाबर तोड़ गहरे लगा रही है भाई चमन आज। चल भाई चमन भाई, 1800 RPM पर कर दिया कटर, 1800 पर
1800 1800। और चमन पे आज पसीने ना निकल जा मैं जब कही हो वो जो 744 एफी पे चला हुआ वो सारे अपने कटर में 1800 RPM पे चला रहे हैं, 1800 1900 पे। और तुम चला रहे हो 1600 पे। चक्कर पुली के जो है ऊपर वाली के कमारे नीचे वाली जाके चक्कर निकाल रही है। बराबर की पुली मत रखो, थोड़ी नीचे वाली बड़ी रखो। झटके के साथ पुली लेगा एकदम फेंक देगा। आज इस पर हवा बनवा दूंगा। भाई अगर गीली, विपिन भैया अगर गीली पूली आ गई तो कहता ना नहीं ट्रैक्टर बंद ना हो। सूखे लाख तो भाई कटर बंद ना हो तो ट्रैक्टर ने। और खूब टावड़ तोड़ लगा रिया गहरे भाई दबा के। आज चमन पागल हो जाएगा। भाई 1800+ RPM है ट्रैक्टर के कर दिए हैं क्योंकि कटर के जो चक्कर है वो कम निकल के आम है। भाई पूरी कोशिश कर रही है चमन भैया, पूरी कोशिश है चमन की आज जो है, सब बंदा चलावे 1600 RPM 1500 पे चलावे ट्रैक्टर, दबना ही दबना है। और देखो घुस भी कते लाख भी एकदम वो भी साफ आ रही है। एक बार भाई घुस भी दिखा दूं पहले। देखो भाई भूस अब चमन आज कैड़ा पड़ रही है भाई पूरा। RPM और देख लो भाई एक बार, ये देखो अपना 1800 पे बना हुआ है ट्रैक्टर लगातार। जबरदस्ती घूस रही जबर जबरदस्ती। उसके सारे ट्रैक्टर जितने भी चले हुए हैं ना वो सारे के सारे 1800 RPM पर रखे हैं। वो पहले क्या कह रही है मेरे से, एक बात कह रही है अतुल जो है जो ट्रैक्टर मालिक है, क्या भैया अगर हमारा ट्रैक्टर 1600 पे दबे है तो हम अपने ट्रैक्टर ने 1800 पे कर लें। कटर उनके इतने बढ़िया हैं कि RPM बढ़ने के बाद गेहूँ फिर भी ना फेंकते हुए। हाँ आज तो चमन जो है भाई फीका सा पड़ रहा है। पूली बड़ी है, पूली बड़ी है। भाई थोड़ी देर बाद वीडियो बनाएंगे और जो आप देखेंगे लास्ट में क्या करेगा चमन। इसकी जो पुली है ना नीचे वाली जो थोड़ी सी ओवर कर दो ऊपर वाली से, और ये कर दो तो इसके चक्कर थोड़े और बढ़ जाएंगे कटर के। बढ़ते ही इसमें झटके का लोड हो गया सारा, टोटल जो लोड होएगा वो होगा झटके का। रूटावेटर में छोटे करारी रखने की है प्राइमरी, क्योंकि उसमें लगातार लोड रहे भाई, इसका लोड है झटके वाला। हाँ चमन जो है ना कैड़ा पड़ रही है। RPM ड्रॉपेज भी आया ट्रैक्टर के अंदर। और देखो एक चीज़ और दिखाऊँ, देखो कटर के चक्कर देखो भाई कितने कम हो गए। फैन बेल्ट के अंदर जो देखो फैन बेल्ट ढीली पड़ गई है एकदम। ट्रैक्टर अपनी पूरी ताकत लगा रही है भाई, फैन बेल्ट जो बिल्कुल ढीली पड़ गई। और यहाँ पे देखो भाई RPM ये देखो, और देखो भाई RPM ड्रॉपेज देखो यहाँ पहले बात 1400 के दौरे घूम रही है।
मिनट रोक दे, दो मिनट जो हो गया भाई छोटे बार जाने का फर्क। देखो यहाँ पे बेल्ट जो है ना बिल्कुल इतनी ढीली पड़ गई, बेल्ट बिल्कुल स्लिपेज आ गया है उसमें। हाँ बेल्ट, बेल्ट में पूरा स्लिपेज। आरपीएम ड्रॉप मारे ट्रैक्टर ने, पर भाई उससे पहले बेल्ट में आग लगने फिर गई बिल्कुल। बेल्ट बिल्कुल ढीली चली गई यार, आरपीएम जो है कटर के उतने डाउन हो गए, उससे ज्यादा ट्रैक्टर के ना हुए। 1200-1400 के बीच में चल रही ट्रैक्टर, फिर भी छोटा बारदाना हमेशा बड़े बारदाने है। बंद थोड़ा ही करवाने कहिए, मैंने नुकसान थोड़ा ही करवाना है यार दूसरे के उसमें। भाई क्लियरली जो है ना वीडियो जो है चमन भाई आखिरकार उतर ही आए पूरे पूरी जो है ना पूरी पूरी मोटे गड़े। हाँ बड़ी बड़ी पुली है, इसका मुंह भी छोटा है, 13 इंची मुंह है, मुंह छोटा है। हाँ चढ़ने के बाद खून गर्म होने में भी थोड़ा सा हाँ टाइम लगेगा कह रहे भाई। अब जो है ना ट्रैक्टर के आरपीएम कर दिए 1600 और चमन अब भी गहरा लगा रहा है। देखो आरपीएम ड्रॉपेज दिखा दूं ट्रैक्टर के कितने आरपीएम ड्रॉपेज आ रहे हैं, और कटर कतई फटन में फिर रही है भाई, और बेल्ट की कंडीशन देखो बेल्ट भी पड़ी है कतई ढीली, और आरपीएम ड्रॉपेज दिखा दूं भाई ट्रैक्टर का। देखो 1600 आरपीएम पे चलकर ट्रैक्टर 1400-1300 पे पहुंच गया है भाई। आरपीएम सेट करना बहुत जरूरी हो गया ट्रैक्टर के अंदर, जैसे ही मैं इसके 1800 आरपीएम अभी फिर दोबारा कर दूंगा भाई ट्रैक्टर अपने आरपीएम तोड़ने बंद कर देगा फिर दोबारा से, क्योंकि पुली देखो उसको पता चलती है। यहाँ पे देखो बेल्ट की स्लिपेज आ रही है बहुत ज़्यादा, और कटर भी फड़र फड़र कर रहा है। तो भाई सारी जो बात हो गया वो हो गया ट्रैक्टर से आरपीएम सेट करना कटर की, जो ट्रैक्टर दाब ना मान पाते। यहाँ पे जो ये जो कटर है ये आइसर ट्रैक्टर पर चली हुई है, तो भाई आइसर के जो चक्का थोड़े पुली के ज़्यादा हो गए हैं, तो भाई लाख तो कम्प्लीट नहीं गया, ख़त्म होने वाला है थोड़ी देर में। चमन भी उतर जाएगा कटर पर तो चमन से बात करेंगे यार, से कटर बिल्कुल फटने वाली नौबत आ गई भाई बिल्कुल। तो भाई फाइनली जो है ना लाख तो गया निकला, और जो आज जो है चमन भाई ने पूरी कोशिश करी ट्रैक्टर दबाने की, हालांकि दबा भी ट्रैक्टर पर भाई उससे पहले जो है ट्रैक्टर का जो परफॉर्मेंस है वो तो सुपर आया ही आया। जो इसकी बेल्ट थी बेल्ट भी ढीली पड़ गई, और जो स्लिपेज आ गई बहुत ज़्यादा, और कटर भी बिल्कुल ऐसे पर उस पर पहुँच गया स्टेज में क्या लास्ट स्टेज यह आई क्या फट ही जाता भाई कटर। तो भाई चमन भैया आज जो जब 1600 चक्कर पर चला रखा है कटर, तो जब कैसा परफॉर्मेंस है, जब 1800 पर चलाया जब कैसा परफॉर्मेंस दिया? बढ़िया परफॉर्मेंस आ गई 1800 पे। 1800 पे तो बेहतरीन है एकदम। 1800 पे बिल्कुल जिस टाइम गहरे लगाए हैं और बीच में शुरू में लगाने शुरू करे, और जब मैंने 1800 पे कर दिया जब कैसे ऐसा ना लगा कि पूरी दावा तोड़ कर दिया ना बिल्कुल। और भाई चमन भाई ने भी पूरी हैकड़ी दिखाई दवा के गहरे पेले, पर भाई ट्रैक्टर तो बंद ना हुआ, और लास्ट स्टेज जो यह बन गई कि भाई मशीन फटने में ही वो बची बस, क्योंकि फैन बेल्ट जो बेल्ट लगी हुई ही बेल्ट बिल्कुल जो है आवाज करनी शुरू कर दी और ढीली पड़ गई, और मशीन भी फड़र फड़र करनी शुरू कर दी। तो भाई चमन भाई जो है ना आज तो बिल्कुल होपलेस हो गए पूरा ही, और ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस रही भाई 1800 आरपीएम पर सुपर, 1600 आरपीएम पे जो नॉर्मल गहरा लगाया तो 300 आरपीएम ड्रॉपेज मारे। सारा जो खेल है भाई कटर पे ट्रैक्टर का वो होता है चक्कर का, अगर पुली का सेटअप अच्छा होएगा तो भाई कोई भी ट्रैक्टर सही वो बंद ना हो पाता सूखे लाख पे। तो भाई यो फाइनली अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम भाई।